I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest. But you भगत जी, ये अभी 8-9 महीने का बच्चा है। अच्छा अच्छा, वो जो पहले वीडियो शूट की थी बड़ा वाला, उसका ये उन्हीं बेटे का बेटा। हाँ, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ये घर की ब्रीड है ये हमारा। हाई, गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू माई चैनल फूडी फॉरेस्ट। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ नबी करीम आया हूँ। याद होगा आपको, पुराने चैनल में एक वीडियो डाली थी हमने चीता ब्रीड की, और उसी जगह पे आया हूँ। वो मुर्गा नहीं है, उतने ज़्यादा लोग नहीं है, बड़े खलीफाज जो उस टाइम बहुत सारे थे, ठीक है ना। तो उस मुर्गे की ब्रीड है, हम उसको डिस्कस करेंगे, और वो भी देखिएगा, और साथ साथ बहुत सीनियर मोस्ट खिलाड़ी कहें या खलीफा कहें, उस्ताद जी कहें, ठीक है ना। तो लेजेंड ऑफ द असील बर्ड्स राज पहलवान जी मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए हैं। इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आपकी टॉक चाहिए, तो इनका मैं आभारी हूँ, और आभार के साथ साथ चैनल में स्वागत भी करता हूँ। मेरे राइट हैंड पे बैठे हुए हैं भगत जी। भगत जी की ही वो ब्रीड थी जिसको हमने पहले शूट किया था, आज फिर मैं इनके घर पे आया हुआ हूँ। और थोड़ा सा दूर बैठे हुए मेरे छोटे भाई रॉबिन। नमस्कार पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार रॉबिन, आप शायद उस पुरानी वीडियो में थे नहीं, और अब इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ मैं। वो पहले वाला मुर्गा भी नहीं है, लेकिन उसके पट्टे हैं। हाँ, वो पुराना नहीं है, उसका पट्टा है। हाँ, उसके और क्या क्या है? उसके मुर्गियाँ। ओके, तो पहले हम चल के एक बार आपको पहले ये बर्ड देख लो। इस चीते का बताओ भगत जी, ये अभी 8-9 महीने का बच्चा है। अच्छा अच्छा, वो जो पहले वीडियो शूट की थी बड़ा वाला, उसका ये उन्हीं बेटे का बेटा। हाँ, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ये घर की ब्रीड है ये हमारा। अच्छा अच्छा, इनका जो दादा है वो 9-10 कुश्ती लड़ा। हाँ, वो तो देखा, वो पहले हमने शूट किया उसको। ब्यूटीफुल बर्ड, 8-9 महीने का बच्चा है ना। इसका फादर नहीं है आपके पास? नहीं, मैंने दिया जो किसी को दे रखा बच्चों के लिए। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए दिया। कितनी है जी अपने घर का? ये अच्छा, 1.5 साल का बच्चा है। देखो जी, मैं आया हूँ इस वक्त नबी करीम भगत जी के पास। पहले भी हमने एक वीडियो शूट की थी, ये 1.5 साल का उनका लाखा मुर्गा है, और पूरा कटेल शानदार मुर्गा है। हैं भगत जी, क्या क्या कहते हैं इस बारे में? ये चीतों की ब्रीड है। अच्छा, हमारे पास जो अपना चीता था वो है, ये टाइगर ब्रीड में से। ओके, और ये मादिन जो घूम रही है इसके साथ, ये पंजाब की मुर्गी आई थी, उसका बच्चा है। उसका बच्चा है ये। अच्छा, बढ़िया है। ज़्यादा इसको क्या नाटी बोलेंगे? हाँ, घर में आना चाहिए, घर में रहना। अच्छा, वो जो मादिन बैठी हुई है वो ये ऐसे रहते हैं? उसकी माँ है। ओ बाबा, भगत जी की देसी भी देखी हुआ। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं सर? ये 5 हैं। ये 5 नीचे आ जाएंगे। तो अभी जो आपने देखा, ये देखे थे भगत जी के वो बर्ड जिनका बड़ा नाम रहा है, उसके बच्चे थे। ये सफ़ेद वाइट, सॉरी चीता जो पट्ठा था वो था, लाखे थे, लाखे, हाँ जो लाखे थे वो थे, सब ब्लड लाइन एक ही चलती आ रही है। तो मैं राज पहलवान जी का स्वागत करता हूँ। पहलवान साहब, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, थोड़ा आवाज़ आई नहीं है, थोड़ा सा आवाज़ निकालनी पड़ेगी आपको। नमस्कार। हाँ, यस रॉबिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू भैया।
देखिए आज हम बस एक छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा मूड कर गया था, तो मैंने पहलवान साहब को बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, आपसे डिस्कस करता हूँ। पहलवान साहब, हम बैठे हुए नबी करीम, आपके पास आके मैं आया हूँ। इस नबी करीम का और पुरानी दिल्ली का मुर्गे पालनों में, असील पालनों में कुछ इतिहास है तो बताइए। देखो सर, जब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, यहाँ नबी करीम एक ऐसी ये सेंटर पैलेस है। हाँ। यहाँ जो भी दिल्ली में बड़े बड़े उस्ताद हुए या बाहर से भी लोग आते थे, तो एक अंदर नबी करीम अंदर हमारा अपना अखाड़ा, हमारे फूफा लगते हैं वो, उनका खलीफा नन्नू, पहले वहाँ होती थी ये मुरग वाली। उसके बाद सन 80 से यहाँ पीछे ये, जी हाँ, ये रेलवे लाइन है। हाँ, यहाँ मैं आपको ये अखाड़े का पीछे जो बता रहे हैं पहलवान साहब, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्ट। और इस अखाड़ा, ये फिर ये कब तक रहा और कैसे, मतलब इसका कुछ इसमें आपने एक्सपीरियंस बताए? यहाँ पहलवानों के भी दंगल होते थे। अच्छा। और मुर्गबाजी भी होती थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पंजाब से क्या यूपी से बड़े बड़े जो उस्ताद लोग थे वो यहाँ आते थे। तो ये दिल्ली में सबसे पहला जो मुर्गबाजी का जो शौक है या दंगल है वो यहीं से शुरू हुआ। ऐतिहासिक शौक जो है वो 1947 के बाद वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नबी करीम एरिया से स्टार्ट हुआ। और 80s जब स्टार्ट हुई है तो 80s में ये खलीफा नन्नू जो गुरुजी के फूफा लगते थे, अच्छा, उनके अखाड़े में शौक होता था। ये जो अखाड़ा यहाँ भी पहले भी। राज साहब, आपने बहुत अहम बात बताई है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, बिकॉज दिल्ली तो पहले बहुत छोटी थी, पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं, एक्चुअल दिल्ली यही थी, बाकी तो सारा जंगल ही था जितनी मेरी नॉलेज है। आप भी इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हकीकत है जी, ये एक सच्चाई है कि दिल्ली का अब तो बहुत विस्तार हुआ है, उस टाइम तो दिल्ली एक सीमित दायरे में थी। जो कश्मीरी गेट, ये जो गेट जो बोलते हैं वो यही गेट थे, दिल्ली के गेट थे। हाँ जी हाँ, इसके अंदर अंदर दिल्ली हुआ करती थी। ये पुल से जब हम अजमेरी गेट से इधर आए तो ये दिल्ली की सबसे पहली जैजा कॉलोनी ये पहाड़गंज नबी करीम है। तो जो भी शौकीन होता था यहीं आता था। पहले हमारे एक खलीफा अजीज़ो थे, उस्ताद किशन थे, ये पार्टी यहाँ एक इनके मुखालिफ पार्टी थी, वो जड़ैये थे, सरदार लोग पाकिस्तान से आए थे। तो ये दो पार्टियाँ हुआ करती थी दिल्ली में, अब तो 50 पार्टियाँ बन गई हैं सब, क्योंकि जो जो विस्तार हुआ उस तरीके से लोगों की ये शौक भी बढ़ता गया और क्या ही पार्टियां बन गई। देखिए आपने बहुत, मुझे नहीं पता था, शुरू में शायद दो ही पार्टी जैसा आपने बताया वो दो थी, अब तो 2000 पार्टी हो गई हैं। तो आपको वो टाइम ज़्यादा अच्छा लगता था मुर्गबाजी का, या आज के दौर को देखते हो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, बेटर क्या था, बढ़िया क्या था, वो टाइम या ये वाला? देखो साहब, जहाँ तक असील का ताल्लुक है, उस ज़माने में असील हुआ करते थे, अब तो मेल होने के बाद में वो खूबियाँ भी और वो असालत भी कम हो गई है, क्योंकि उस ज़माने में असील होते थे और ना ही इतने साधन थे कि हम लोग दूसरी स्टेटों से जानवर ला सकें। तो पंजाब, यूपी, बहुत ज़्यादा राजस्थान, यहीं के जानवर होते थे। दिल्ली एक ऐसी जगह थी कि यहाँ मतलब शौक जो था ना कुछ और ढंग से था, बाहर स्टेटों में शौक का कुछ और हिसाब था। तो जो असील थे वो अब असील रहे नहीं, और अब तो मेल कुछ ज़्यादा हो गए हैं, और जो असील हमने देखे हैं वो आज देखने को नहीं मिले। आज जैसा आपने बताया कि असील में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, बदलाव उसके बॉडी स्ट्रक्चर में आ गया है या उसके बिहेवियर में आ गया है, आप कैसा बदलाव की बात कर रहे हैं? देखो जहाँ तक बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, उसमें भी फर्क आया। ओके। क्योंकि वो असील जो थे ना उनमें बंदिश होती थी, इक्वल, कोई चीज़ कम ना कोई फालतू। दूसरा, उनमें असालत थी,
वो मैदान के बहुत अच्छे होते थे, वो मार से भी नहीं जा रहे, थक में भी नहीं जा रहे, किसी भी ढंग से वो मैदान नहीं छोड़ते थे, वो असील थे। अब असीलों का कुछ पता नहीं जी। अब जहाँ तक ये भगत जी बैठे हैं, इनके पास वो चीता ब्रीड है, तो उसमें थोड़ा हाँ मेल भी डाला है। लगता है वो असील है? नहीं, मेल तो सोच समझ के डाला है, अच्छा समझ करके, जो भी हमको समझ है उस हिसाब से हमने क्रॉस किया है, उसको बनाए हैं। अब अलवन साहब ये बताइएगा कि आप बंदिश की बात की आपने, पहले भी मैं आपको आपके मुंह से एक दो बार सुन चुका हूँ, ये बंदिश बर्ड में कैसे देखते हो आप? बंदिश का मतलब क्या है, मुझे थोड़ा सा बताएं बस। देखो, जिस तरीके से हम आँख, चेहरा, ताज वगैरह, उसके बाद टोटन है, गर्दन का जो हिसाब है, पसीना है, बाजू खाना है उसका, दुम गजा है, और जो नलियां हैं उसकी, वो जितनी छोटी वो नली होगी हम उसको अच्छा मानते हैं। नली का मतलब आप नली का मतलब बता रहे हैं कि जो थाई और जो उसके पैर, ये छोटे होने चाहिए बर्ड के? पट लंबी होनी चाहिए, चाहिए। जो नली छोटी हो, पट लंबी हो। ओके। तो ये सिर्फ क्या है, इक्वल, कोई चीज़ कम ना फालतू। तो इस तरह का असील जो होता है ना, जहाँ मुंह रखता है पाँव वहीं ले आता है। अच्छा, एक तो बंदिश हो गई, और पहले जो असील होते वो बंद के अच्छे होते थे, अगर गला है तो गला ही मारेंगे, कोई सर का है, कोई कनेर का है। अब पहलवान साहब, अभी आपने इतने विस्तार से बताया, मुझे कुछ चीज़ें समझ भी आई। एक्चुअली मैं आप जैसे लीजेंड्स के पास जाता रहता हूँ, तो मुझे भी थोड़ी नॉलेज हो गई है। अब आप ये बताइएगा कि जो ब्रीडिंग कराते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक असील पालने वाले को? मेल जो सब बोलते हैं, तो जो यदि लाखा बर्ड है, तो उसके साथ हमें फीमेल कैसी लगानी चाहिए? जावी लगानी चाहिए या पीली लगानी चाहिए या नूरी लगानी चाहिए, कैसी आप क्या सजेस्ट करते हो जिससे कि एक अच्छा असील का रिजल्ट आ जाए? देखो चांद साहब, इसमें कलर वाइज, जैसे अगर लाखा है तो लाखी मादिन फीमेल डले। ओके। बाशर्ते वो आप देख लें कि भाई इसका जो बैकग्राउंड क्या है मादिन का, जो समझ गया मैं, हाँ, वो जो खून से जो जिस मतलब ताल्लुक है उसका, उस हिसाब से आप कलर तो एक ही बनाए। अब हम उसमें अलग अलग कलर डालेंगे तो वो कलर में तो चेंजेस आएगी। और जहाँ तक ये जो असालत की बात है, तो ये तो एक अंदरूनी मामला है कि ब्लड जो है ना अंदर मेल और फीमेल का मैच खाता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ताओ बन गया। पहलवान साहब, अभी जैसे आपने बताया लाखे के साथ लाखा लगाना चाहिए, मुझे अपना टेस्ट भी बताइए और दर्शक भी जानेंगे कि इतने बड़े लीजेंड का टेस्ट क्या है। आपको कौन सा बर्ड आपका फेवरेट है, मतलब लाखा फेवरेट है, पीला फेवरेट है, क्या कहते हो? क्यों, मैंने कई खलीफों से पूछा, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, आप अपना बताइए। देखो चांद साहब, ये कलर कोई भी हो, जिस तरीके से हमारी आँखें हैं, ये खूबसूरती की गुलाम हैं। तो जैसे आप इंसान में ले लो, तो कोई कोई ऐसी अट्रैक्शन होती है किसमें, जो नेचुरली होती है, और आदमी हाँ ना चाहते हुए भी उसे देखता है। ऐसे असील जो होता है ना, वो असील होता है और वो कहता है मुझे देख। तो ये जो मैं बंदिश की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बनावट में मतलब हर ऐसी खूबियाँ, जैसे मैंने कहा ना, इक्वल होता है, कोई चीज़ कम फालतू नहीं होती। तो असील ही है जी। जहाँ तक रही कलर की बात, तो पीलों का भी हमारे उस्ताद होते थे पंजाब में, रोशन लाल, उनके यहाँ पीले होते थे। तो पीला एक कलर ऐसा है कि अच्छा भी लगता है। हम कभी टोहाने जाया करते थे, टोहाना, वहाँ राय साहब होते थे, राय साहब के पास में जावे थे, जावों में चीते भी बन जाते थे,
हमें वो बिरिड बहुत अच्छी लगी थी जो राय साहब की थी। अच्छा, अच्छा। क्योंकि राय साहब थे टोहाना शहर के मालिक थे, उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं बुला करके ये बिरिड तैयार कराई थी। सब हमें उससे अच्छे असील नहीं लगे, और अब कोई उससे मेल खाता हुआ या उससे मिलता हुआ हमें कोई असील नजर आता है, हाँ, तो हमें अच्छा लगता है। राज साहब, जैसे अभी आपने बताया, तो जैसे पहले भी वीडियो में देखा है आपने, वो जो चीते की बात हो रही थी, अभी जो इनका पट्टा चीता हमने देखा है, ये आपको पसंद है? अच्छे हैं जी ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो चीतिया जो जिससे ये नस्ल भगत जी की बनी हुई है वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। अब देखो, हम फाइट के बारे में बात नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छा था क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट थी। हाँ, गुण बहुत थे। गुण बहुत, ये जो होता ये एक जैसे तुख में तासीर होती है ना। हाँ। जी, जो ब्लड लाइन होती है, हम वो लोग देखते हैं कि भाई इसकी जो लाइन है उसमें किसने क्या किया क्या नहीं किया। ये चीता जो है ये एक तो परेल था, पर की उसमें ज़्यादा हो तो पर ज़्यादा होगी तो उड़ान रखेगा, उड़ान अच्छी होगी उसकी, उड़ान अच्छी होगी तो उसके पैर, और फिर वो हाँ मसेल भी था उसमें, और फिर वो किसी भी तरीके से जो हमारे पास रहा भगत जी के पास, उसने कहीं किसी तरीके की कोई कमी नहीं दिखाई। एक सवाल भगत जी से भी कर ले। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके बर्ड के बारे में चर्चा हो रही है, चीता के बारे में। यदि आपसे कोई चीता मांगे तो थोड़ा बहुत दिल दिखाओगे, दोगे? नहीं, दे देंगे, ऐसी में क्या बात है, शौकीन शौक ही करेगा। देखो, आपने बोल तो दिया, आपके पास आपका नंबर डाल दिया ना, तो 1000 फोन आ जाएंगे लेने के लिए, सोचिए। नहीं, आप सिर्फ पर्सनल चांद भाई के लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखो, ये इस आप ये बताइएगा, इस बर्ड से आप सेटिस्फाई हैं? अब आपको बिल्कुल संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूं। हां बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हां बिल्कुल, आखिरी का बहुत बढ़िया है। ओह वेरी गुड, थैंक यू सर। एक रॉबिन से भी सवाल कर लेता हूं। जी। तो मेरे भाई रॉबिन जी, दर्शकों ने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक सवाल किया, सवाल ये किया कि सर, जब छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने के मान लो, तो उसमें मेल फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो मैंने बोला, मैं कहा जब भी कोई खलीफा मिलेगा तो मैं शूट करूँगा तो बताऊँगा, ये क्या पॉसिबिलिटी है, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है? एक तो सबसे बड़ी बात है, जो मेल और फीमेल होगा, हाँ, उन फीमेल के और मेल के जो फेदर है, पर है, फीदर उनकी शेप ही चेंज होगी। शेप ही चेंज होगी। हाँ जी। और उसके बाद थोड़ा हेड का स्कल, अच्छा, वो भी डिफरेंट होगा। वो भी डिफरेंट होगा, मेल का थोड़ा बिग होगा, फीमेल का थोड़ा छोटा होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एट प्रेजेंट सामने पता लगी। ओके, मतलब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो जाता है। आपने पर का बताया, फीदर का बताया, पर मेल में उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, बताओ? मेल और फीमेल में पर ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, बाजू होती है, क्या होता है? देखिए, जो मोटा मोटा बता दो। एक लिटरेचर देखा जाए तो वो एक अलग है, और एक जो प्रैक्टिकल है वो एक अलग है, क्योंकि हर ब्रीड में अब इतने ज़्यादा मेल हो चुका है कि वो जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाता है परों का, और फिर फेदर की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। अब बच्चा इतना हो चाहे इतना हो, चाहे 1 मंथ का हो चाहे 1 साल का हो, वो फेदर क्वालिटी हर जब वो जी मोल्टिंग करेगा वो सदा चेंज होती रहती है। जब आप मुझे गोलमोल मिला है, ये खलीफाओं की क्वालिटी है, ठीक है, इस बहाने चलो दोबारा फिर मिल लेंगे हम, लेकिन इन्होंने बता दिया है वो फेदर क्वालिटी पे डिपेंड होता है, तो अब आप देख लेना। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, खलीफा साहब ने, कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना पालने का, आपके पास कैसी बर्ड रखी हुई है वो बहुत मायने रखती है, राइट सर? बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं चलता हूँ राज पहलवान साहब के पास। पहलवान साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, तो जस्ट आप मुझे ये बताएंगे, आज के एटमोसफियर से आप खुश हैं? आज का जो बर्ड पाल रहे हैं लोग, जो माहौल जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है आप संतुष्ट हैं इस माहौल से? ठीक है,
ठीक है, संतुष्ट हैं उसमें। देखो ये शौक अब ज़्यादा हो गया चांद साहब, जहाँ तक वो असीलों की बात है तो वो बहुत कम देखने को अच्छे मिलते हैं। पहले जो, जहाँ तक आप मेल और फीमेल के मिलाने की बात करते हैं, तो जो पहले उस्ताद लोग थे वो अगर मादिन उनकी जो है कहीं किसी को दे रखी है और वहाँ से वापस आई है तो उसको पहले खाली अंडे, हवाई अंडे जो है ना, उसका अंदर से सफाई करते थे, उसके बाद मेल जो है ना उसमें डाला जाता था। तो बड़े पुराने उस्तादों की अलग ही बात थी। दूसरा, मुरक को वो इस तरीके से रखते थे कि जो मुठ जोड़ हो। ये मुठ जोड़ क्या होता है? ये सर वो आप जैसे मादिन जो है फीमेल अंडों पर आ गई, उसको पकड़ के बैठ गए और हल्का सा उसकी कमर पर यूं किया, वो मुर्गा आ जाए, वो आ करके क्रॉस कर, मेटिंग करता था। और वैसे वो अंडों पर है पर वो मीट नहीं कर रही है, नहीं कर रहा, हाँ, मुर्ग नहीं कर रहा, हाँ, मीटिंग नहीं कर रहा है। तो ये उस्ताद लोग इस तरीके से मुर्ग रखते थे कि अगर उनका कोई चेला या कोई मांग के ले भी गया तो वो वहाँ कामयाब नहीं होता था कि जी उस्ताद जी ये तो बैठ नहीं रहा। वो अपनी नस्लों को इस तरीके से मतलब बचा कर रखते थे, संभाल कर रखते थे। अब ये इतने असील हो गए हैं कि सब समझ पाना मुश्किल है, और हम कहीं देखते हैं तो उनको खफा नाराज भी नहीं कर सकते, भाई यही कहते हैं, हाँ भाई अच्छा है। अच्छा, लेकिन आपका आपका कहीं ना कहीं वो उस तरह के मेल को देखे कहीं ना कहीं मन दुखी होता होगा कि यार इन्होंने क्या असील का क्या बना रखा है? नहीं नहीं, अब तो बहुत नाश हो गया जी, अब नाश कर दिया। हाँ, असील रहे नहीं, और हैं तो किसी ने संभाल के रखे हुए हैं। अब हमारे रोबिन भाई के पास है एक जानवर है इनके पास, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा, क्योंकि वो पहले कभी देखे थे हमने टोहाना में, उनसे मेल खाता हुआ लगा। तो अब कोई अच्छा जानवर है तो उसमें अच्छा कोई मेल दिया जाए तो ब्रीड बन जाती है, तो जरा संभाला जाएगा। बाकी तो सब ये असील, सभी असील हैं, क्या सभी असील हैं। देखिए वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, और जिस तरह इम्पॉर्टेंट बातें पहलवान साहब ने बताई, मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं इनसे डिस्कस करूँगा। आपको वीडियो देख के अच्छा भी लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें जो जैसा आपने फ़ील किया। मैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में फिर मिलूँगा, और पहलवान साहब को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया और इस टॉक के लिए राजी हुई। सर आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे को बहुत टाइम दिया। नमस्कार, मेहरबानी, थैंक यू। ये रॉबिन से भी बोलूँगा, रॉबिन और भगत जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, और छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे। अरे थैंक यू, थैंक यू भैया। तो बहुत जल्द हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।